गर्मी का मौसम है और हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली में पर्यटन सीजन चरम पर है। झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए देश विदेश के पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। कुल्लू घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साहसिक खेलों के लिए भी पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। विभिन्न साहसिक खेलों में एक है रिवर राफ्टिंग, अर्थात नदी की जलधारा में नौकाएं। रिवर राफ्टिंग में प्रयोग की जाने वाली नौका विशेष प्रकार के रबर या प्लास्टिक से बनी होती है, जिनमें हवा भरी जाती है। नदी का पानी क्योंकि मार्ग में आने वाले पत्थरों की बाधाओं के कारण उतार चढ़ाव झेलते हुए सफेद रंग का झागदार हो जाता है, इसलिए इस तरह के नौकायन को व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग साहसिक खेलों के दीवानों का पसंदीदा एवं रोमांचकारी शौक है। कुल्लू मनाली में ब्यास नदी में नौकायन प्रायः ग्रेड एक, ग्रेड दो तथा ग्रेड तीन प्रकार की जल प्रवाह तीव्रता के उतार चढ़ाव का शानदार रोमांच प्रदान करता है। ग्रेड एक के अंतर्गत सामान्य गति से बहने वाली नदी होती है। जल प्रवाह बाधा रहित होता है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त श्रम के आसानी से नाव चलाई जा सकती है। ग्रेड टू के अंतर्गत नौकायन करने वाले मार्ग में लहरें और हल्की फुल्की बाधाएं होती हैं, किंतु यहां नौका संचालन ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ग्रेड तीन में आने वाली नदियां तकनीकी रूप से अधिक कठिन होती हैं। इनमें विशिष्ट तरंगे और स्टॉपर्स अर्थात बाधाएं शामिल हैं, जहां नौकायन करने वालों को जल की बूंदें भिगो सकती हैं। ग्रेड तीन नदियों में आमतौर पर नदी में चट्टानों जैसी बाधाओं से बचने के लिए एक निश्चित मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। कुल्लू घाटी में ब्यास नदी पर मनाली से झीड़ी तक रायसन, बवेली, पिरडी, बिजौरा, झीड़ी आदि अनेक रिवर राफ्टिंग पॉइंट हैं। इन्हीं में से एक है बवेली रिवर राफ्टिंग पॉइंट। यह पॉइंट कुल्लू मनाली मार्ग पर कुल्लू शहर से केवल 6 किलोमीटर दूर है। आज हम नौकायन का लुत्फ लेने के लिए इसी राफ्टिंग पॉइंट पर आए हैं। सबसे पहले मिलते हैं राफ्टिंग ऑपरेटर श्रीमती पुष्पा ठाकुर से। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा ठाकुर, राफ्टिंग ऑपरेटर। अभी सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, मई महीने जून महीने वैसे बिग सीजन रहता है। टूरिस्ट इतना आ रहा है, गर्मी में मजे ले रहा है राफ्टिंग का, और हम इस सेफ्टी पर्पज पे पूरा रूल फॉलो करते हैं। गाइड लाइसेंस वाला होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। सेफ्टी के पर्पज पे क्या होता है कि किसी के जान से हम खिलवाड़ ना करें, इसलिए बेटर है कि सबसे पहले सेफ्टी दो, लाइफ जैकेट, हेलमेट, इक्विपमेंट, लाइट फॉर्म देते हैं बस। थैंक यू। राफ्टिंग पॉइंट पर सैलानियों का जमघट है। राफ्ट नौकाएं नदी में उतारी जा रही हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए सैलानियों को तैयार किया जा रहा है। सब उत्साहित हैं रिवर राफ्टिंग का रोमांचक अनुभव लेने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले से राफ्टिंग। पहाड़ पर चढ़ना उतरना पहाड़ी लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। उनके लिए पहाड़ी रास्ते आश्चर्य का विषय नहीं, किंतु पहली बार पहाड़ी यात्रा करने वालों के लिए नदी तक की हल्की फुल्की चढ़ाई या उतराई भी अत्यंत मशक्कत भरा कार्य हो सकता है। नौका में बैठने से पूर्व सैलानियों को सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैग चलाने वाला एक का नाम विक्की है, मेरा नाम भाउजू है, ठीक है। जैसे आप लोग जाएंगे वहाँ 7, यहाँ 7 जाएंगे। बैठना कैसे, आप लोग को फ्रंट साइड है, बैक साइड में गाइड रहेंगे,
तो ये आप लोग का लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। जैसे आप लोग सेवन मेंबर रहेंगे, देखिए ध्यान से है ना ब्रदर लोग, सुनना जरूरी है। तो आप लोग का ये राइट साइड है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग इस तरफ से राइट है। जैसे राइट साइड पे देखिए राइट हैंड से बाहर, लेफ्ट हैंड से अंदर इस तरफ से पकड़ना। जैसे लेफ्ट साइड पे देखिए लेफ्ट हैंड से बाहर पकड़िए, राइट हैंड से अंदर पकड़िए, है ना इस तरफ से। और सेकेंड पार्ट सेम रहेगा आपको इसी तरफ से, है ना। आपको एक पैर को यहाँ लॉक करना, एक पैर को यहाँ लॉक कर नहीं सकते हो तो आप ऐसे बैठ सकते हो। और रोक को पकड़ने टाइम में आपने लाइफ लाइन को छोड़ दिया, आप भी बिल्कुल सीखे मिडल को छोड़ के दोनों हाथ से बाहर की कैच करेंगे, आप सीधा आउट हो जाएंगे। इसलिए आपने दोनों हाथ से इस तरफ से पकड़ना। जैसे रैपिड आता है उस टाइम में गाइड जो भी रहेंगे वही रहेंगे, तो आप लोग को गेट डाउन बताएंगे। तो देखिए साइड में जो भी बैठ रहे हैं गेट डाउन में, इस तरफ से आप नीचे जाएंगे और जिसको यहाँ कैच करेंगे दोनों हाथ से बाहर की तरफ पकड़ेंगे। इस माउथ क्लोज, मुख बंद रखना आप लोग ने, और आपसे देख रहे रहना, हेड को डाउन करना है ना, गेट डाउन ऐसा, ज्यादा बाहर में ऐसा नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो क्या रहता है, पत्थर आएगा तो आपको इससे भी हाथ पार करेंगे तो आपको लगेगा। इसलिए ऐसा करके गेट डाउन एंड गेट बैक में इस तरफ से आप ऊपर आएंगे, ठीक है। और सेवन मेंबर में आपको रहेंगे एक बीच में, जैसे वहाँ भी जाएंगे एक बीच में रहेंगे, यहाँ भी बैठेंगे एक बीच में रहेंगे। बीच वाला ने कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से भी और ज़्यादा एंजॉय करना है तो फिर यहाँ तीनों हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक दो तीन गेट डाउन बोलूँगा तो आगे दो जाएंगे, दोनों के बीच में ऐसा करके जाएंगे बीच वाला, है ना, गेट डाउन में। एंड गेट बैक तो सेम ऐसा करके रहेंगे आप लोग, ठीक है। इनकेस आप यहाँ से जा रहे हो, मज़ा आ रहा है आप लोग को, उस टाइम में आप गिर जाएंगे तो एक दूसरे ने आपको हेल्प नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सेफ होना चाहिए। आप ये गिर जाएंगे तो सारे एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो राफ अनबैलेंस हो जाएगा तो पलट जाएगा। इसलिए आप पहले खुद सेफ्टी रहना है और उसके बाद दूसरा को पकड़ने की कोशिश करना है। नहीं तो हम साथ में रहते हैं तो हमारे पास थ्रो बैग रहता है, तो पैडल रहता है तो हम रेस्क्यू करेंगे उनको, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नदी की ओर रिवर राफ्टिंग के रोमांच का आनंद लेने के लिए। अब चीज को यहाँ टॉप करेंगे तो दोनों आगे बाहर की तरफ पकड़ेंगे और मुंह बंद रखेंगे, है ना, गेट डाउन में। ओके गेट बैक, ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। भाई बहुत ठंडा पड़ी है यार भाई। बवेली रिवर राफ्टिंग पॉइंट से वैष्णो मंदिर कुल्लू तक का यह सफर 4.5 किलोमीटर का रहा। अब समय है ब्यास नदी के किनारे नौका से उतरकर अपने अनुभव बांटने का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें जब ट्रैवल किया था जो कि कुल्लू से अराउंड
दो किलोमीटर पहले ही है, वहाँ से अपने जर्नी स्टार्ट की। वहाँ पे धूप थी तो हमें लग रहा था कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इतना कोल्ड वाला नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो देखा हमने तो धूप जा चुकी थी, और उसके बाद जो पानी था वो लिटरली इतना ज़्यादा ठंडा था कि हमें हम शिवरिंग कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे हमें लग रहा है कि यार इतनी ठंड है। और उसके बाद भैया ने हमें बोला कि अगर आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस लेना है तो आप इस पे जंप करो। फिर हमने पानी में जब हम गए और पानी में जाकर के जो हम पूरे ठंडे हो गए, उसके बाद लगा देखो आप मेरी आवाज़ भी जो है बैठ चुकी है। नहीं डर नहीं डरने लगी है, क्योंकि क्या है ना, इन्होंने पहले ही बोला था कि डर के आगे जीत है, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। तो हमने लगा कि जब डर के आगे जीत है तो चलो करते हैं एक बार।